हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज जो टॉपिक है वह न्यूट्रिशन भाग दो है और इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा और फ्रेंड्स एक आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे फ्रेंड्स जो ये टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ्रेंड्स है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है मैंने पहले वीडियो में ही डिस्क्राइब किया था पर इसको थोड़ा रिवाइज करते हुए अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन क्या होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव भोज पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करता है अथवा ग्रहण करता है देखिए इस पॉइंट को आप ज़रूर आप समझें कि भाई वो ग्लूकोज का निर्माण करेगा या ग्रहण करेगा उसको फ्रेंड्स कहते हैं पोषण और पोषण जो दो प्रकार के होते हैं पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण स्वपोषण मतलब यह होता है कि वह अपना भोजन खुद बनाएगा और परपोषण मतलब यह होता है वह भोजन दूसरे पर निर्भर होता है हालांकि फ्रेंड्स नीचे डेफिनेशन भी है उसको भी ज़रा समझाते हैं देखिए है, स्वपोषण का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि कुछ जीव ऐसे जो हरे भरे हरे भरे पौधे व शैवाल एल्गी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं देखिए जो हरे बड़े पेड़ पौधे होते हैं शैवाल होते हैं इंग्लिश में से हम एलगी कहते हैं यह अपना भोजन ख़ुद बनाते हैं क्योंकि इनके पास में होती है क्रोलोफिल है ना और क्रोलोफिल की वजह से जो पत्तियां होती हैं वह हरी होती है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वह भोजन बनाती हैं और उससे संश्लेषण होता है तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है ओके okay फ्रेंड्स तो ऑटोट्रॉफ मतलब वह होता है जो अपना भोजन खुद बनाए बनाता कौन है पेड़ व पौधे बनाते हैं नीचे फ्रेंड्स ये एक रिएक्शन है जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है तो आइए इसको समझ लेते फ्रेंड्स जो आप रिएक्शन आप देख रहे हैं यह रिडॉक्स रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है इसमें देखो ऑक्सीजन जो होती है वो मुक्त होती है रिलीज होती है तो हालांकि यहाँ पर वायुमंडल से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और मिट्टी से हम पानी लेंगे एच टू ओ लेंगे और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से हम क्या बनाएंगे हम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे है ना और ग्लूकोस जो स्टार्च के रूप में वो पत्तियों में संजो के रखता है ओके फ्रेंड्स चलें अगले कंटेंट को चलते हैं अगला फ्रेंड्स जो है वो है पूरा पोषण पर पोषण सॉरी फ्रेंड्स पर पोषण मतलब कि उसे कहते हैं माफ़ी मांगते हैं पर पोषण है उसे हाइट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं कुछ जीव जैसे सभी जंतु अपने भोजन निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं ठीक है तो वह अपने भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जैसे कि इंसान है ना ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स जो होते हैं सीधे सीधे हम पेड़ पौधों पर हम निर्भर होते हैं हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं इसलिए मनुष्य जो है वह परपोषी जीव में आता है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ये प्रकार हैं इसको भी ज़रा समझ लेते हैं देखिए परपोषी के प्रकार और निर्भरता और वह उदाहरण ये तीनों चीज़ें इसमें हम जानेंगे ठीक है परपोष के प्रकार निर्भरता और उदाहरण देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आता है शाकाहारी शाकाहारी वह होता है उसे कहते हैं हरवी बोरस जो कि पौधों पर निर्भर होता है पौधों पर निर्भर कौन होता है खरगोश हिरन बकरी और भेड़ यह शाकाहारी जीव होते हैं और जो पौधों पर निर्भर होते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स है मांसाहारी मांसाहारी निर्भर किस पर होते हैं जंतुओं के मांस yeah पर निर्भर होते हैं उदाहरण के लिए शेर चीता व बाज यह फ्रेंड्स जंतुओं पर निर्भर होते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स है सर्वाहारी सर्वाहारी को इंग्लिश में कहते हैं ओमनी वोरस ओमनी मतलब वह होता है जो मांस और पौधों पर दूसरों दोनों पर निर्भर होता है ठीक है यह दोनों पर निर्भर होता है और उसका उदाहरण होगा फ्रेंड्स मनुष्य कॉकरोच व बतख ठीक है यह पेड़ पौधे भी खाएगा तो मांस भी खाएगा तो यह ओमनी कहलाता है नेक्स्ट फ्रेंड्स है अपर्दाहारी इसे कहते हैं फ्रेंड्स डेटरी वोरस कहते हैं जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को ये खाते हैं जैसे कि केचुआ है ना किसान का मित्र फ्रेंड्स कहते हैं केचुआ वह दीमक ये मिट्टी में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है इसको ये ग्रहण करते हैं तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं अप्रदा मतलब कि डैट्री वस नेक्स्ट फ्रेंड्स है रुधिर हारी।, हारी मतलब वह होते हैं जो सीधे सीधे रुधिर पर जो ब्लड पर निर्भर होते हैं जैसे कि मादा मच्छर व जोंक मादा मच्छर व जोंक वह फ्रेंड्स किस पर निर्भर होते हैं रुधिर पर निर्भर होते हैं और इसे क्या कहते हैं रुधिर हारी संगस ओके फ्रेंड्स चलें नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये इसे कहते हैं फ्लूड फीटर मतलब कि पुष्प फलों के रस पर निर्भर होते हैं फ्लूड फीडर फ्लूड मतलब कि लिक्विड जैसा होता है और फीड जो उसको ग्रहण करते हैं तो फ्रेंड्स इसका उदाहरण है वह है नर मच्छर तितली और मधुमक्खी मधुमक्खी आपने देखा होगा पुष्प पर पर फलों पर रस पर सीधे सीधे निर्भर होते हैं उसको फीड करते हैं उसको ग्रहण करते हैं तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं फ्लूड फीडर कहते हैं ओके okay, फ्रेंड्स और देखिए फ्रेंड्स आगे आगे चलते हैं आगे है फ्रेंड्स कैनिबल्स कैनिबल्स फ्रेंड्स क्या होता है जो स्वयं के प्रजाति वो अन्य छोटी प्रजाति जैसे कि सांप है सांप जो होता है अपने बच्चे को स्वयं खा जाता है बिच्छू है वो अपने को स्वयं को खा जाता है ठीक है तो स्वयं की प्रजाति को भक्षण कर लेते हैं उसे फ्रेंड्स कहते, है, कहते हैं कैनिबल्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स है कीट भक्षी कीट भक्षी मतलब कि इसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस कहते हैं कीट भक्षी वह होते हैं जो कीटों पर निर्भर होते हैं जो इंसेक्ट पर निर्भर होते हैं जो कीड़े मकोड़ों पर कीड़ों पर निर्भर होते हैं जैसे फ्रेंड्स इसमें उदाहरण है मेडक है छिपकली है इसे फ्रेंड्स कहते हैं इंसेक्टिवोरस कहते हैं कीट भक्षी कहते हैं ओके फ्रेंड्स अगला देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है मृतोपजीवी कहते हैं सैप्रोज्वाइक कहते हैं अपघटक भी कहते हैं यह फ्रेंड्स सले सड़े गले मृत जंतु व पौधों को शरीर को ग्रहण करते हैं जो सड़ गल जाते हैं है ना जंतु होते हैं मृत जंतु होते हैं या फिर पौधों के जो शरीर होते हैं उदाहरण के लिए फ्रेंड्स होता है जीवाणु है Uh, कवक है यह फ्रेंड्स जीवी अपघटक में आते हैं ओके okay, फ्रेंड्स चलें आगे बढ़ते हैं अगला फ्रेंड्स है कैप्रोफोगी कैप्रोफोगी मतलब क्या होता है मतलब एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जैसे कि खरगोश खरगोश का जो आहार नाल इतना छोटा होता है कि वो पूरी तरीके से सैलुलोस का पाचन नहीं कर पाता है है ना तो अतः वो अपने मल को पुनः वो खा लेता है तो इस घटना को हम कॉपरोफैगी कहते हैं खरगोश का जो आहार नाल जो होता है वो बहुत छोटा होता है खरगोश जो है वो स्टार्च को खाता है है ना और जो सेलुलोज को ढंग से वो पाचन नहीं कर पाता है तो इसलिए अपने मल को पुनः वो खा लेता है इस प्रोसेस को हम कॉपरो कहते हैं उम्मीद है मेरी बात आप समझ पाए होंगे अगला फ्रेंड्स है वह युगलीना लीना यूग लीना फ्रेंड्स यह एक प्रकार का पादप भी है और एक प्रकार का जंतु भी है ये दोनों के बीच में है क्योंकि यह पादप इसलिए है क्योंकि इसमें क्रोलोफिल पाया जाता है और परपोसी भी है है ना क्योंकि ये जंतु में आता है तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं योग लीना ओके तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और जो बेल आइकन उसको ऑन रखें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आपको पुनः मिलती रहे और चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत पुनः मुस्कुराते रहिए वंदे मातरम दोस्तों